हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम हनुमान 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 सीता राम। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ धीरज। ये मेरे दोस्त है डीके भाई। देखिए, डीके भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गए हैं, बट हम लोग दूसरी बाइक से चलेंगे। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो रात में 31 मनाया, 2-3 नहीं बज गई थी, मुझे लगा नहीं था कि सुबह से उठ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उठ गए। एक बार इनको मैंने 1 बजे मैसेज करा कि भाई मैं सो रहा हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर 2 बजे मैसेज करा, फिर 2:30 बजे मैसेज करा कि मेरे को सुबह उठा देना। एक्चुअली गाइस, इधर मेरे नाना का घर है, वहाँ से मुझे बाइक लेनी है। सो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं खरगोन से। न्यू ईयर का पहला दिन है, ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हमेशा की तरह हम लोग कहीं जाने से पहले नटराज पर ही नाश्ता चाय के लिए रुकते हैं। तो आप भी कभी यहाँ आओ तो जरूर इस जगह की चाय टेस्ट कर जरूर जाना, बहुत ही शानदार चाय है। चलो चाय लेते हैं। एक कल डीके भाई और मेरी बात हुई थी कि यार नया साल लग रहा है, कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, कहाँ चले, किधर जाएँ, क्या करें। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं, कुछ प्लान कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार निकलते हैं मॉर्निंग में, बस निकलते हैं, क्योंकि अनप्लान ट्रिप ही अच्छी ट्रिप रहती है। कुछ प्लान करो फिर कुछ अनसक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो सब कुछ रह जाता है। मैंने कहा अपन निकलते हैं डायरेक्ट, चाय पीते पीते डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। और हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग जाएंगे सियाराम बाबा। एक तो क्या है ना कि खरगोन का मौसम ऐसा है कि कब गर्मी हो जाती है, कब ठंड लग जाती है, कब पानी गिर जाता है, कुछ पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता है। एक बैग में रेनकोट के साथ साथ स्वेटर भी रखना पड़ता है और सब कुछ रखना पड़ता है। सो गाइस, एक छोटा सा फोटोशूट डीके भाई कर रहे हैं मेरा। खरगोन से गोगावा से हमने लेफ्ट लिया था। चार पाँच किलोमीटर। आज तो भीड़ मुक्ति अभी कम छे भीड़। तो गाइस, आज पहला दिन है, अभी भीड़ कम छे। बहुत ही शानदार व्यू। दोस्तों, हम लोग सियाराम बाबा के आश्रम आ चुके हैं। डीके भाई ने गाड़ी शायद आगे पार्किंग में लगा दी है और हम लोग भटक गए हैं। मैं ढूंढता हूँ, अच्छा दिख गया। भगवान शिव अवतार हनुमान जी को।
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर सियाराम बाबा का, और बाबा को मैंने देखा बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव वाइब मुझे मिली। पंडित जी बैठे, मैं उनसे आपको बताता हूँ बाबा जी के बारे में पूरा। पंडित जी मतलब राज्य आए थे 1955 में। हाँ हाँ हाँ। 22 साल की उम्र से। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तपस्या की 12 साल तक उन्होंने एक पेड़ पे। हाँ हाँ हाँ। आज उनकी उम्र है 90 साल की। हाँ हाँ। भगवान है साक्षात, हनुमान जी का इष्ट करते हैं, रामायण पढ़ते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। क्या मान्यता है और क्या यहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार जैसा जो भी अगर देखो? हो गया था एक बार, दीपक जल गया था, चमत्कार हो गया था। बाबा आते हैं शनिवार के रोज, चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को। कहाँ से आए? सीहोर से। प्रदीप जी मिश्रा जी के यहाँ से पधार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और हमें मालूम पड़ा कि यहाँ महाराज जी का बहुत सिद्ध जगह है। हाँ हाँ। और जो दीपक के बारे में आप बता रहे थे, हाँ हाँ। उसके लिए ही हम आए, हमें मालूम पड़ा। हाँ। यहाँ महाराज जी दीपक रखते थे, अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। हाँ। यार अपने घर के पास इतनी चीजें, अच्छी चीजें रहती है यार, फिर भी नहीं अपन यार पता नहीं रहता यार। देखो गाइस मेरे पीछे इतना शानदार व्यू है माँ नर्मदा। आज नया साल है, नए साल में सारे लोग आए हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर सियाराम बाबा का, और आप लोगों से भी एक स्मॉल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी इधर सनावत खरगोन के इस तरफ एरिया जो मेरे बाहर के व्यूवर्स हैं, अगर यहाँ पर आओ तो ज़रूर एक बार सियाराम बाबा विजिट करो। पर यार ड्राइवर जरा बदलना, तुम ही रहना यार। पायलट है अपन। हाँ। 2013 से ही चला रहे ना। तेली बट्टन जगह है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस, एक अलग वाइब आपको यहाँ पर मिलेगी। आज 1 तारीख है, नया साल है, तो आज नए साल की शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। कहाँ से गाड़ी आ रही है? गोगावा से आ रही है। अच्छा उस साइड गोगावा से मेन मार्ग महेश्वर वाला, मंडलेश्वर वाला, बड़वा वाला जो रास्ता है। अच्छा 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 अच्छा। कहीं यूट्यूब पर आवा का वीडियो? अच्छा अच्छा। कहना गाँव से तुम? पीपलगोन। पीपलगोन, हम लोग खरगोन से आए। जिला खरगोन। कैसे मेलो कब लगा? साल पहले मैयापुर आई थी, बाबा यही खड़े थे। अच्छा। मैयापुर जा रही थी, बाबा को उठले का पानी भी नहीं लगा। अच्छा। जब से बाबा मान्यता हो गए कि जय सियाराम बाबा प्रसन्न। अच्छा। बचपना से आए हुए हैं। आप नागलवाड़ी और पार्वती वाला मंदिर में दान किया? 2.5 लाख करोड़। कहाँ? नांगलवाड़ी। कहाँ? 2.5 लाख करो नांगलवाड़ी में। नांगलवाड़ी। अच्छा सिकरधाम नांगलवाड़ी। बाबा भी लड़ जाओ। 20 लाख। पार्वती माता जामघाट। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे सभी दोस्त, रिश्तेदार, कॉलोनी के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड्स, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस साल या जो भी बीते सालों में मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो या जो भी मेरे दोस्तों से कुछ मैंने अपशब्द या कुछ भी किसी को कुछ बोला हो तो मैं आपका छोटा भाई और बड़ा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ भी मैंने किया हो। अभी 11 बजने को है और भीड़ भी कम है, इतनी कोई खास भीड़ नहीं है। भीड़ भी वजह से क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर। हाँ नया साल का पहला दिन है। हाँ इस वजह से बाकी अच्छा शांत माहौल मिलता है और अच्छा है। खरगोन और इधर आसपास के एरिया जितने बड़े बड़े उन सभी को तो आना ही चाहिए। हाँ संस्कृति। हाँ सही है। बाकी अच्छा मैं इतने साल रहा खरगोन में, कब से रहा हूँ आपको पता नहीं था? पता था बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि चलो जाएंगे। मैं एक दो साल से हर साल की भाई न्यू ईयर पे चले। इस बार जाके प्लान हुआ कि चलो यार हाँ चल यार तेली भट्टा चलते हैं, सियाराम बाबा के दर्शन करने हैं। सो गाइज आप भी यहाँ अपने परिवार के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी। सो गाइज अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय। जय सियाराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम।